मोदी जी, संध्या होने वाली है, आप कहीं पे विश्राम कर लेते, कोई अच्छी सी जगह देखकर रुक जाओ। सुबह से चल ही रहे, थोड़ा सा अन्न पानी डाल लेते पेट में, चलो कहीं पर रुककर थोड़ा सा विश्राम कर लेते। राहुल, अब ये कदम भोले की नगरी जाकर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ कांवड़ यात्रा पे नहीं लाना चाह रहा था, तुम्हारी यही दिक्कत रहती है, कभी यहाँ रुक जाओ कभी वहाँ रुक जाओ। राहुल, मैं तुम्हें एक ही बात बता देता हूँ, जब भी मैं कांवड़ यात्रा पे निकलता हूँ तो सीधे जाकर भोले की नगरी में ही जाकर रुकता हूँ, उससे पहले ये कदम नहीं थमेंगे, चले रहूं। लेकिन मोदी जी, एक बात तो बताओ, मुझे लगता है आप गलत रास्ते पर आ गए। कैसा ये सुनसान सा रास्ता है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं राहुल, तुम पहली बार आए हो, तुम नहीं जानते हो इस रास्ते को। अगर तुम कभी कांवड़ यात्रा पे निकले होते तो तुम्हें पता होता, मैं हमेशा इसी रास्ते से जाता हूँ, लालू जी से पूछ लो। हाँ राहुल, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह रास्ता बिल्कुल ठीक है। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, क्या भागई में तुम्हें भूख लगी है? हाँ लालू जी, क्या बताऊँ, भूख तो बहुत तेज लगी है। अरे थोड़ा सा रुक कर कहीं पे अन्न पानी पेट में डाल लेते, मैं भी कोई चलने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, खाकर थोड़ा सा फिर चलते, मेरे भी कदम जाकर भोले की नगरी में ही रुकेंगे। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, चलो कहीं पर रुक कर भोजन कर लेते हैं, भूख तो मुझे भी लगी है, उसके बाद चलना शुरू कर देंगे। लालू जी, तुम भी राहुल का ही साथ देने लगे, उसी की तरफ से बोलने लगे। अरे कोई मैं खाने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, 10 बजे के टाइम अपना कहीं पे रुकेंगे तभी खाना खा लेंगे, अभी तो चलते रहो भोले की धुन में, चलते रहो। भैया मोदी जी, एक बात बताना, यहाँ से भोले की नगरी कितनी दूर रह गई है, कितनी दूर का और सफर है अपना? बस केजरीवाल पहुँचने ही वाले हैं, 2 दिन और चलना है अपना लोगों को, फिर आराम से पहुँच जाएंगे। अरे अखिलेश और नीतीश कुमार जी कहाँ पीछे रह गए, ये तो बिल्कुल पीछे रह गए। हाँ मोदी जी, अखिलेश मेरे पीछे आ रहा है, आप चले रहो, हम भी आपके पीछे हैं, सब लोग चले रहो तेजी में। वैसे मोदी जी एक बात बताऊं, पिछली बार आप कांवड़ यात्रा पे मुझे छोड़ गए थे, हर बार मुझे साथ में लेकर चलना, कह देता हूँ मैं अभी से। जरूर केजरीवाल, अपना ही लोग साथ में चलेंगे, हर साल चलेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे मोदी जी एक बात बताओ, इस बार का तो देसी घी बिल्कुल प्योर है। और राहुल तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं देसी घी में भी कोई मिक्सिंग करूंगा? प्योर भैंस का देसी घी है, देख लो। अरे मोदी जी, मैं आपसे पिछली बार 100 ग्राम देसी घी ले गया था खरीद कर, लेकिन इस देसी घी को खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, पूरी की पूरी तरीके से वनस्पति घी की खुशबू आ रही थी आपके देसी घी में। राहुल तो साफ साफ बोलो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट की थी। हाँ मोदी जी, ऐसा ही समझ लो, मुझे तो देसी घी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वनस्पति घी खा रहा हूँ मैं, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप देसी घी के पैसे लेते हो और वनस्पति घी हमें दे देते हो। राहुल एक बात बताओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती देसी घी देता हूँ, तुम्हें अगर मेरा देसी घी खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो हटो, पीछे लाइन लगी पड़ी है खरीदने वालों की। राहुल ये क्या है, कितनी देर से तमाशा लगा रखा है तुमने, ना तुम देसी घी ले रहे हो ना दूसरे लोगों को लेने दे रहे हो। मोदी जी देसी घी क्या रेट बेच रहे हो? बोल लालू जी, 1000 रुपए किलो का दाम है देसी घी का, बिल्कुल सस्ता लगा दिया है आज तो मैंने देसी घी को। लेकिन मोदी जी कैसी बात कर रहे हो, परसों मैं आया था आपसे देसी घी खरीदने के लिए, तो आपने मुझे देसी घी के दाम 800 रुपए बताए थे, आज आप 1000 रुपए किलो के हिसाब से देसी घी बता रहे हो, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि आज तो सस्ता लगा दिया। आज सस्ता कहाँ लगा दिया, परसों तो 800 रुपए किलो बता रहे थे मुझे देसी घी का रेट। लालू जी तुमने परसों का दाम सुना था, परसों तो मैं 800 रुपए किलो ही देसी घी बेच रहा था, कल मैं देसी घी को 1200 रुपए किलो बेच रहा था, कल के हिसाब से आज 200 रुपए सस्ता 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ मैं देसी घी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपकी देसी घी की खुशबू इतनी दूर तक कैसे जाती है? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है आपके देसी घी में से, इसीलिए लोग खरीदने के लिए आते हैं। अब अखिलेश तुम ही समझो, मेरे देसी घी में से इतनी अच्छी खुशबू आती है, और ये राहुल कह रहा है कि मैं देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करता हूँ। अरे मोदी जी खुशबू तो आएगी, अखिलेश तुम भी बिल्कुल नादान हो, ये थोड़ा सा देसी घी लेती है, बाकी वनस्पति घी लेती है, और दोनों को मिक्स करके फिर ये देसी घी के फ्लेवर वाला परफ्यूम मिक्स कर देती है, इसीलिए खुशबू आती है। राहुल अगर तुम्हें देसी घी मेरा नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, यहाँ से जाओ, इस तरीके का घटिया इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।